कोई डोगी नहीं होये वतना ते मुन सुनया मती दिसना ते आई होये Peace out.
नेशनल यूथ फेस्टिवल इस साल हर साल मनाया जा रहा है। इस साल नेशनल यूथ फेस्टिवल की 24वीं कड़ी है, 24th नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा ये हट के मनाया जा रहा है। एक्चुअली पिछले सालों की तरह हम अपनी कंटेंजेंट जो जम्मू कश्मीर का होता था वो उस होस्ट रियासत में जो ये मना रही होती थी वहाँ भेजना पड़ता था और उनको लाइव वहाँ परफॉर्मेंस करना पड़ता था, लेकिन इस साल ऑर्गेनाइजर्स ने इसमें थोड़ी सी चेंज की बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो इस साल ये फिज़िकल एज वेल एज़ वर्चुअल मोड पर मनाया जा रहा है। फिज़िकल मोड इसका जो है वो हमारी जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर हो गया। तो आज आप जो देख रहे हैं, आज हम इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं वर्चुअल मोड पर। आज ये रिकॉर्डिंग हो रही है जो कि हमें अपलोड करनी है नेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक्चुअली हमने यहाँ स्टार्ट किया जोनल लेवल से और इसका मकसद ये है कि हमारी यूथ, हम ये देखना चाहते हैं ये कितना जुड़े हुए हैं अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, क्योंकि आजकल आपको पता है ज़माना तो ये आजकल रैप का है, दूसरी चीज़ों का है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशन है और जो कल्चर है, हमारा यूथ जो है कितना अपना रहा है इस कल्चर को, वही एक जो ये शोकेस हम करना चाहते हैं यहाँ पर इस नेशनल यूथ फेस्टिवल में। ये सिर्फ नहीं हम रियासत जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं बल्कि पूरा मुल्क कर रहा है और हम अपने नौजवानों को ये देखना चाहते हैं कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर में इससे पहले सर एक्टिविटी नहीं हो पाती थी, क्या कारण है कि इस वक्त जब से यूटी जम्मू कश्मीर में हुआ है तब से आप यूथ एंड स्पोर्ट थोड़ा एक्टिव हो गए सर? नहीं, इससे पहले भी हम हमारी जिम्मेदारी जो थी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की कि हमारा मंडेट जो है वो स्कूलों में हायर सेकेंडरी लेवल तक है, अंडर 19 एज ग्रुप जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, उनमें स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स कल्चर को, स्पोर्ट्स को प्रमोशन करना है बेसिकली स्कूल्स में। लेकिन इस साल पिछले साल से हमने उस स्कूल के दायरे से बाहर निकल कर हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा इस साल हमने बड़े पैमाने पर स्कीइंग शुरू की गुलमर्ग में। उसकी एक वजह यह है कि गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया और हमारे पास करीबन हमने 100 पेयर स्कीज जो हमने ऑर्डर किया है जिसमें 50 पेयर्स आ गए, उसकी वजह से हमने इस साल पूरी यूटी में हर 15 दिन पे हम 10-10 ज़िले जो है वो वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास 100 बच्चे हैं गुलमर्ग में जो स्कीइंग सीख रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक बैच किया, ये दूसरा बैच है और 9 जनवरी से हमारा तीसरा बैच लड़कियों का शुरू हो रहा है। तो ये हकीकत है कि हमें जो सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, उस सपोर्ट की वजह से हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ गई। जिस तरह से आप यूथ स्पोर्ट के सर, आपका मतलब इसमें सर क्या उदा है स्पोर्ट्स में? मैं इस वक्त जॉइंट डायरेक्टर हूँ यूथ स्पोर्ट्स। नेम? बशीर अहमद, जॉइंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कश्मीर। मेरा, मैं कश्मीर का इंचार्ज हूँ। आप फैसला करो। जिस तरह से हमारा जो यूथ है वो अभी इस पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है और कितनी अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी? देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो ये यूथ है इस वक्त, अगर ये जो अपना जो इनका टैलेंट है किसी भी फोक सॉन्ग में हो, फोक डांस में हो, दूसरी चीज़ों में हो जो ये कर रहे हैं यहाँ पे, या इंस्ट्रूमेंट बजाने से ताल्लुक़ रखते हो, ये यूथ जो है ये अभी तक अपनी यहाँ अपने ज़िले में या अपनी एरिया में कर रहे हैं, लेकिन अब ये यूथ जो है हम इनको प्लेटफार्म फराहम कर रहे हैं कि ये नेशनल लेवल पर अब कम्पीट कर रहे हैं इस वक्त। तो यही एक प्लेटफार्म है जो हम यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इनको दे रहा है, इनका टैलेंट जो है वो नेशनल लेवल पर उभार रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है इनके। कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं, हम तो हर साल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस साल हमें उम्मीद है कि हम कुछ ना कुछ, वहाँ से बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि कुछ ना कुछ इनाम आता हम हासिल करेंगे। क्योंकि सर इस बार फिजिकली नहीं वर्चुअली हो रहा है, तो वर्चुअली में कितना फ़ायदा होगा या फिजिकली ज़्यादा फ़ायदा? नहीं, वर्चुअली में इतना ही, फिजिकली में तो फ़ायदा, वहाँ पर जितने भी जजेस हैं वो तो खुद जजमेंट कर रहे थे। वर्चुअल में इतना है कि हमने ये रिकॉर्ड करके वहाँ भेजना है, लेकिन वर्चुअल रिकॉर्डिंग करने के बाद भी वहाँ पर जजेस बैठेंगे और इनकी जो इनकी कला है, इनकी जो टेक्निक्स हैं, इनकी जो प्रोफेशन है वो देख के ये डिसाइड करेंगे कि इनामात के मुस्तहिक है या नहीं है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जैसे बच्चे परफॉर्म करें हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनाम मत मिलेंगे।